प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट में। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट में एक चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां चोरों ने रुपए पैसे नहीं बल्कि चॉकलेट की चोरी की। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के चिन्हट के देवराजी बिहार इलाके में चोरों ने कैडबरी कंपनी के गोदाम से 17 लाख रुपए की चॉकलेट की चोरी कर दी। इतना ही नहीं, पहचान उजागर ना हो इसके लिए चोरों ने सीसीटीवी और डीवीआर भी अपने साथ लेते चले गए। दरअसल यह घटना चिन्हट की है। आपको बता दें कि जहां देवराजी बिहार इलाके में कैडबरी कंपनी के गोदाम में चोर 17 लाख रुपए की चॉकलेट और बिस्किट भी उड़ा ले गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और पुलिस ने चोरों को पकड़ने और 17 लाख रुपए की चॉकलेट का पता लगाने में जुट चुकी है। इसी बीच कैडबरी के डिस्ट्रीब्यूटर राजेंद्र सिंह सुद्धू ने कहा कि हमने चिन्हट थाने में FIR दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी के पास कोई इनपुट हो तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। FIR के मुताबिक ओमेक सिटी के रहने वाले व्यापारी राजेंद्र सिंह सिद्धू कैडबरी के डीलर हैं और पिछले 2 महीने से किराए के मकान में रहते हैं। बताया जा रहा है कि राजेंद्र सिंह सिद्धू द्वारा दर्ज FIR के मुताबिक देवराजी बिहार इलाके में स्थित अपने घर पर उन्होंने गोदाम बना रखा है। वही बीती रात गोदाम के अंदर के दरवाजे खुले होने पर पड़ोसी ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने आकर देखा तो गोदाम में चोरी हो चुकी थी। गोदाम से करीब 17 लाख रुपए की कैडबरी की चॉकलेट और बिस्किट गायब थे। इतना ही नहीं, चोरों ने गर्म कपड़े, कैमरा, DVR, हैंडीकैम भी चुरा लिया।